हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शार्प ऑफ बेसिक्स पर। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड है। ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड मतलब होता क्या है, ओरिएंटेड मतलब होता क्या है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि जल्दीबाजी में बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है यार, धीरे बोल देते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है, जिसकी वैल्यू मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, चार पाँच प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, मान के चलो कॉफ़ी है, उसके कितने सारे नेस्कैफे बनाती है, ब्रू बनाती है, ठीक है, 10-15 और कितनी कंपनी होंगी। ठीक है, सब कुछ बनाते हैं आजकल, तो पता नहीं नए नए लोग निकाल रहे हैं कॉफीज वगैरह, लेकिन बिकता किसका है सबसे ज़्यादा? नेस्कैफे का, राइट। सेकंड पे आती है ब्रू। तो यही सब चीज़ें हैं, रैंक कर रखा है सब लोगों ने कि भाई एक चीज़ है क्वालिटी 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 करके सबको, उनको नेस्कैफे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, चाहे कुछ भी बना दे लोग फिर भी ले ही लेंगे। एक होती है गुडविल और एक नाम होता है। तो यही होता है वैल्यू ओरिएंटेड, कि कितनी पॉपुलर है वो मार्केट के अंदर, उस कंपनी के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं और जितने म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, और वैसे वैसे म्यूचुअल फंड आपका स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन आपका पैसा फिर भी ऐसा सेफर साइड रह के इन्वेस्ट होता है, तो इसको म्यूचुअल फंड कह देते हैं। आपके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा 5-5 हज़ार, तो वो सब स्टॉक्स के अंदर जा रहे हैं इन सब कंपनी के, लेकिन है वो सबने मिलाया तो म्यूचुअल, तो वो वही इसी का ही नाम है। अगर आप अकेले स्टॉक्स खरीदोगे तो वो सिर्फ आपका होगा। ठीक है, सब मिलके खरीद रहे हैं तो सबका होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ है, प्रॉफिट सबका होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने वीडियो को पर पहली बार आए हो, ठीक है, देख के हमारा ये थंबनेल, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आपने यहाँ विजिट किया है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हो, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है। तो ई टी मनी यहाँ पर वेबसाइट है, डेस्कटॉप के लिए अवेलेबल है ये, जो कि मैंने खोल रखी है, एंड आपके फ़ोन में भी चलता है ये ऐप। तो आपके पास कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो एप्पल हो, दोनों के अंदर ये ऐप चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने काम पे। इसके अंदर इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर है हमारे पास वैल्यू ओरिएंटेड। तो वैल्यू ओरिएंटेड होता, आपको मैंने बता ही दिया था कि भाई जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर हो वो होती है कंपनीज, उनमें इन्वेस्ट करने का। तो चाहे वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी, लेकिन जो ग्रुप हो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू हो उस वही। ठीक है, तो स्टील वगैरह, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सबका ग्रुप मिला के एक होती है। तो कितने फंड हैं? 17 फंड हैं जो कि इसके अंदर है, और इसका रिटर्न है 22.52%, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 20% से ऊपर का कोई भी अगर आपको म्यूचुअल फंड मिल जाता है, समझ जाओ कि यार बहुत अच्छा रिटर्न देता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है SBI है। सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके पास है बैंक में? SBI के पास, राइट। तो SBI क्यों नहीं होगा सबसे ऊपर? तो बेसिकली ये भी आप मान के चलो, क्योंकि सबसे सबके अकाउंट इसके अंदर ही हैं। तो सब SBI काफ़ी ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि यार ये 2025 तक अच्छा खासा मार्केट कैप बना लेगा अपना। तो नेक्स्ट हम इसको छोड़ते हैं, बाकी चलते हैं कितना पैसा लगा रखा है। तो कितना लगाया है? 5,291 करोड़ लगा रखा है इसमें, और इसका रिटर्न है एक साल का 24.69% तक ये देता है। तो हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो ईटी मनी ने इसको 1 की रेटिंग दे रखी है, और इसका जो नैव यूनिट का प्राइस है 231.36 रुपीज़ है। तो मंथली सिप की बात कर रहे तो यहाँ पे 500 रुपये आपको मंथली सिप कम से कम देनी पड़ेगी इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर एक बार में पैसा लगा रहे हो तो कम से कम 5,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। ग्राफ के साइड आते हैं, तो ग्राफ हम देखें तो उसका नीचे पहले जा रहा था, अभी बीच में मार्केट डाउन गई थी, जब वॉर हुई थी तो थोड़ा सा नीचे आया, बट स्टिल इसने अपनी ग्रोथ रखी और चलते ही अब ऊपर की साइड ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी से कुछ ना कुछ तो कमीशन लेंगे ही, तो 1% कुछ भी नहीं होता अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर, कि आपको मेन कितना पैसा मिलेगा, जो कि मेन हमारी वीडियो का टॉपिक होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं मंथली सिप पे। तो अगर आप 10,000 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब हर मंथ 10,000 5 साल के लिए करते हो, तो आपकी जेब से ज़्यादा 6 लाख रुपये, आपको मिलता कितना है? आपको मिलता है 5,05,000 रुपये, जो कि एक मान के चलो इनके अकॉर्डिंग है, बट मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो इस वाले फंड पे आपको कम से कम 5.5 लाख रुपए तक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका टोटल अमाउंट कुछ 11.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लमसम की, कि लमसम में आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो लमसम में अगर हम सेलेक्ट करते हैं वन टाइम में 6 लाख अगर आपके पास है एक बार में, कि चलो 5 साल तक मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ एक बार में,
तो अगर आप डालो तो आपको ऑब्वियसली आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। 6.76 है, लेकिन 7.5 लाख तक मिल सकता है आपको, क्योंकि आपने बड़ा अमाउंट डाला है। ऑब्वियसली बात है, सबसे ज़्यादा शेयर आपका हो गया, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी आपका ही होगा, इसलिए लमसम में पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके डाल रहे हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल में इतना रिटर्न आया, थोड़ा कम भी हो सकता है अगले, तो वो हिसाब से बताते हैं। इसलिए लमसम में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपने एक बार में डाल रखा है तो 5 साल में भी उसी मतलब जितना पैसा डाला उसी पे कैलकुलेट होगा। तो यही फ़र्क है इसका। और 12.76 लाख तो नहीं, 13.5 लाख रुपये आप मान के ले सकते हो कि भाई 5 साल बाद मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ इसने पैसा डाला हुआ है, तो फाइनेंशियल सेक्टर ऑब्वियसली बात है, SBI तो फाइनेंस में तो हो गई होगा, ठीक है। फिर अदर्स हमें नहीं पता अदर्स क्या है, ठीक है। ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह, ठीक है। तो उन सब में भी इनका अच्छा खासा इंश्योरेंस जैसे हो जाती है, तो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियों की बात नहीं कर रहे। SBI की कौन सी गाड़ी देखी भैया आपने, हमें बताना कमेंट में। एंड थर्ड फोर्थ आता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में भी ऑब्वियसली बात है, डीलिंग्स होती हैं जब, तो एनर्जी तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। पावर यूनिट्स वगैरह ये सब, ग्रिड वगैरह, तो एनर्जी में भी इन्होंने अच्छा खासा फंड लगाया हुआ है। तो बाकी इनकी देखा जाए तो थोड़ा इनको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा है, यहाँ पे इक्विटी होल्ड कर रखी है इन लोगों ने मार्केट के अंदर, जिससे कि इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पर थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो क्या पता बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो 25% रिटर्न भी दे सकता है मार्केट के अंदर। तो फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, ताकि उनको भी कुछ नया सीख पाएँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए म्यूचुअल फंड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।